Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फैब्रिक हॉल. रिसेंटली मैंने एक लाजपत नगर फैब्रिक शॉप की वीडियो शेयर की थी, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उसे जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इनमें से कुछ फैब्रिक मैंने लाजपत नगर शॉप से परचेज किया है और कुछ फैब्रिक मैंने एक लोकल शॉप से परचेज किया है जो कि ईस्ट ऑफ कैलाश में ही है. वैसे वो प्रॉपर शॉप नहीं है, वो घर पे ही कपड़े रखते हैं लेकिन उनके पास ह्यूज स्टॉक होता है. उनके पास 2 या 3 रूम है जिनमें कपड़े जो हैं वो भरे पड़े हैं. वो गांधीनगर से कपड़े लेते हैं और उनको रिटेल में सेल करते हैं जिनका प्राइस बहुत ही लो होता है बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. वैसे मैंने जो लाजपत नगर से कपड़े परचेज किए हैं उनका भी प्राइस काफ़ी लो है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. एक चीज़ मैं आप लोगों से और बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरी जितनी भी वीडियो देखते हैं मोस्टली मुझे इतना ही देखते हैं, तो मैं टी शर्ट वगैरह में ही वीडियो बनाती हूँ बट रियल लाइफ में मैं हमेशा कुर्ती ही पहनती हूँ और मुझे मेरी कुर्तीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं. अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप अपनी कुर्ती कहाँ से स्टाइल करवाते हो, कहाँ से स्टिच करते हो या कहाँ से कस्टमाइज करवाते हो. तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि मैं अपनी कुर्ती खुद कैसे कस्टमाइज करती हूँ या उसको मैं खुद कैसे स्टाइल करती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. फिलहाल अभी चलते हैं वीडियो की तरफ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो. सबसे पहला फैब्रिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये पिंक कलर का फैब्रिक और इस पे वाइट कलर के पोल्का डॉट बने हुए हैं. और ये फैब्रिक जो है ये कॉटन है बट थोड़ा सा हार्ड कॉटन है, जो पॉपलिन होता है वो ये है. और मैंने 2 मीटर लिया है. इसका प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ मीटर था. ये मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है क्योंकि मैं वाइट एंड पिंक नहीं पहनती. दूसरा फैब्रिक जो मैंने लिया है वो है ये वाइट कलर का, ऑफ वाइट है, ये प्रॉपर वाइट नहीं है ये. और इसमें छोटे छोटे से ऐसे प्रिंट हैं, स्क्रैच है, स्क्रैच जैसे प्रिंट है आप देख सकते हो. और रेड कलर के थ्रेड से इस पर वर्क हुआ है. सिमिलर मैंने एक फैब्रिक और लिया है लेकिन इस पर जो लाइन बनी हुई है वो थोड़ी सी सटल है और इस पर जो लाइन बनी हुई है वो थोड़ी सी यू नो रेड कलर की लाइन है. तो मैंने दोनों ही फैब्रिक ले लिए. दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे क्योंकि दोनों का कलर जो था वो काफ़ी अच्छा था. ऑफ वाइट है एंड मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है. इसका भी प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ मीटर ही था. तीसरा फैब्रिक जो मैंने लिया है वो है ये फैब्रिक. ये है पॉलिएस्टर एंड पॉलीक्रेप जो होता है वो है ये. और इसका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ मीटर है. इसकी मैं कुर्ती नहीं बनाऊंगी, इसको मैंने किसी और पर्पज़ के लिए लिया है. देखती हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है. और उसके बाद जो मैंने फैब्रिक लिया है वो है ये फैब्रिक. ये टर्क्वाइस कलर का फैब्रिक है लेकिन वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है. इसमें दूसरा कलर आ रहा है और इस पर जो है ऑरेंज एंड वाइट कलर के इकत प्रिंट जो होते हैं वैसा सा प्रिंट है. और ये जो फैब्रिक है वो स्लब कॉटन जो होता है वो है लेकिन थोड़ा सा ये लूज ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा रियॉन भी मिक्स है. ये फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है. और ये फैब्रिक मैंने लिया है 4 मीटर क्योंकि इसमें मैं एक अपने लिए ड्रेस बनाऊंगी और एक अपनी फ्रेंड के लिए बनाऊंगी. इसका जो प्राइस था वो भी 150 रुपीज़ मीटर था. ये फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा. देखते हैं कि इसको मैं किस तरह से स्टिच करती हूँ. और उसके बाद मैंने लिया है ये ब्लैक कलर का फैब्रिक. ये जो ब्लैक कलर का फैब्रिक है ये मैंने लिया है ईस्ट ऑफ कैलाश वाली जो शॉप में बोल रही थी, लोकल शॉप है, मैंने वहाँ से लिया है. और इसका जो प्राइस है वो आई थिंक था 60 रुपीज़ मीटर. और ये कॉटन है और बहुत ही थिक फैब्रिक है. बहुत ही अच्छा मुझे लगा इसमें ब्लैक एंड यू नो ये जो ग्रे कलर का चेक बना हुआ है, वैसे चेक तो नहीं बोलेंगे और स्ट्राइप्स ही हैं, चेक भी आप जो भी बोल सकते हो उसको. और बट अंदर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ नहीं है तो ये ऊपर से प्रिंट किया हुआ है. और इसमें मैंने सोचा है कि मैं एक प्लाजो एंड एक कुर्ती, मतलब पूरा प्रॉपर कुर्ती सेट बनाऊंगी खुद के लिए, इसलिए मैंने इसको ले लिया है 4 मीटर. और इसकी प्राइस भी काफ़ी कम था, 60 रुपीज़ मीटर था, तो इसलिए मैंने इसको 4 मीटर ले लिया है. और ये जो फैब्रिक है ये भी स्लब कॉटन है लेकिन ये काफ़ी थिक फैब्रिक है और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. उसके बाद मैंने उसी लोकल शॉप से लिया है ये फैब्रिक. और सारे फैब्रिक जितने भी मैंने लिए हैं उनमें से ये मेरा फेवरेट है. इसमें भी इकट प्रिंट बने हुए हैं
एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैंने लाजपत नगर की उस शॉप पे देखा था, उस पे भी ये फैब्रिक था, बट मैंने वहाँ से ये वाला फैब्रिक लेना प्रेफर किया क्योंकि यू नो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो चुका था, मुझे लगा थोड़ा सा कलर ऐड करना है। और वहाँ पे ये 150 रुपीज़ मीटर था, लेकिन जिस शॉप से मैंने इसको लिया सेम फैब्रिक वहाँ पे भी था लाजपत नगर में भी, लेकिन जो मैंने ईस्ट ऑफ कैलाश वाली शॉप से लिया वहाँ पे मुझे ये मिला है 60 रुपीज़ मीटर। मतलब कि अगर मुझे ये वहाँ से नहीं लेना चाहिए था, यहीं से लेना चाहिए था, बट ठीक है इसका कलर अलग है। और ये फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैं खुद के लिए बनाऊंगी कुर्ती। और इसमें भी मैंने 2 मीटर लिए हैं, ये भी कॉटन स्लब है, इसका कॉटन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा थिक है और ये फैब्रिक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद मैंने जो मैं ईस्ट ऑफ कैलाश वाली शॉप बोल रही हूँ, मैंने वहाँ पे देखे कुछ फैब्रिक ऐसे थे जो दिखने में तो सिल्क लग रहे थे बट वो सिल्क नहीं थे, क्योंकि वो 50 रुपीज़ मीटर के थे तो 50 रुपीज़ मीटर में सिल्क नहीं आता है। और वो था ये फैब्रिक, ये भी बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, ये है पोली सिल्क, मतलब जो रॉ सिल्क होता है, जो रियल सिल्क होता है उसका ड्यूप समझ सकते हो आप लोग। लेकिन यू नो ये कोई भी देख के ऐसे नहीं बता सकता कि ये पोली सिल्क है या मतलब सिल्क से कम नहीं है ये। और इसका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ मीटर है, आप देख सकते हो इसको क्लोज से देखो, इस पर थोड़े से मतलब जो सेल्फ ही स्ट्राइप्स बनी हुई हैं सेल्फ कलर में ही, और ये ना थोड़ा सा दो कलर में रिफ्लेक्ट करता है, एक तो टर्कवाइज और थोड़ा सा ये ग्रीन सा कलर इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है। ये भी मैंने 2 मीटर लिए हैं, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल करना चाहती हूँ, देखती हूँ मैं इसको कैसे करूँगी। और जब भी मैं इनमें से किसी भी फैब्रिक को यू नो स्टिच करूँगी, कस्टमाइज़ करूँगी या स्टाइल करूँगी तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद सेम ये फैब्रिक मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सेम इसमें एक और ले लिया पर्पल कलर, और इसमें भी आप देख सकते हो पर्पल एंड पिंक का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो दोनों ही मैंने ले लिए और दोनों ही 50 रुपीज़ मीटर, मतलब कि 100 रुपीज़ में ये फैब्रिक एंड 100 रुपीज़ में ये फैब्रिक। वेट, एक फैब्रिक और है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी डिफरेंट लगा, वो भी सिल्क जैसा ही है, वो है ये फैब्रिक, ये पर्पल कलर का है ये भी, लेकिन इसमें भी दो टोन आ रही है, एक ब्लैक कलर की आ रही है और एक पर्पल कलर की आ रही है, और इसका प्राइस भी 50 रुपीज़ मीटर था। तो इसको भी मैंने 2 मीटर ले लिया है, लेकिन ये फैब्रिक थोड़ा सा पतला है, देखते हैं इसको मैं कैसे क्या करूँगी। उसके बाद मेरे पास 2 फैब्रिक और हैं जो कि ऑफ वाइट कलर में थे, जिनको मैंने डाई करवा दिया था, और ये दोनों ही फैब्रिक कॉटन स्लब हैं जिनका प्राइस 60 रुपीज़ मीटर है। 2 मीटर मैंने ये फैब्रिक लिया है और मैंने 50 रुपीज़ पर मीटर में इसको डाई करवाया है, तो आप यू नो कैलकुलेट कर सकते हो कि ईच फैब्रिक की कॉस्ट कितनी पड़ी है। एक चीज़ मैं आप लोगों से और शेयर कर दूं कि जब भी आपको कपड़े डाई करवाने के लिए लेना हो तो आपको हमेशा ऑफ वाइट कपड़े लेना चाहिए, जो कि RFD के जो कपड़े होते हैं, RFD का मतलब होता है रेडी फॉर डाई, तो वो कपड़े जो होते हैं वो कलर को बहुत अच्छे से पिक करते हैं, कलर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, लाइक कोई स्पेसिफिक फैब्रिक आपको बहुत पसंद आ गया है बट आपको उसको डाई करवाना है, तो बात अलग है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो फैब्रिक हमें वाइट में मिल जाए वो फैब्रिक हमें ऑफ वाइट में भी मिल जाए। लेकिन अगर आप प्लेन फैब्रिक डाई करवाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि वो RFD हो, क्योंकि उस पर कलर बहुत अच्छा आएगा और कलर स्टे करेगा उस पर, क्योंकि ये फैब्रिक डाई के लिए ही बने होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, बगल में एक बेल बटन बना होगा उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।